2019 के लोकसभा चुनावों का चुनावी रण पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इस मैदान में लड़ने के लिए लगभग सभी दलों के योद्धा उतर चुके हैं। ऐसे में कोई भी योद्धा किसी भी प्रकार के मौके को गंवाना नहीं चाहता। इस चुनावी रण में बीएसपी उम्मीदवार मंदिर सिंह मान दो बड़े नामदार उम्मीदवारों के बीच में ऐसे इकलौते उम्मीदवार है जो जनता से बदलाव करने की अपील कर रहे हैं और उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि जो कांग्रेस और भाजपा ने लोगों के साथ किया उस विश्वासघात का बदला लेंगे। मंदिर सिंह मान ने आज दलितों के मसीहा माने जाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर की 128वीं जन्मदिवस पर दर्जनों कार्यक्रमों में शिरकत की और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके नमन किया। इस कार्यक्रम में मंदिर सिंह मान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दो बड़ी नामदार पार्टियों ने हिंदू को मुसलमान से और जाट को जाटव से लड़ाने का काम किया है। अब वक्त आ गया है कि दोनों पार्टियों को दरकिनार करके अपनी खुद की पार्टी बनाई जाए और खुद का नेता चुना जाए। मंदिर सिंह मान ने कांग्रेस और भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति धर्म और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए देश को अग्रिम पंक्ति में अग्रिम स्थान पर खड़ा करने के लिए संविधान बनाया था, मगर कांग्रेस और भाजपा ने इस संविधान का सही उपयोग नहीं किया। अगर किया होता तो देश आज विश्व में विकसित और सबसे शक्तिशाली देश होता। वहीं मंदिर सिंह मान ने कहा कि बहन कुमारी मायावती ने उन्हें फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए भेजा है और उन्हें विश्वास है कि लोकसभा क्षेत्र के लोग उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर संसद में भेजेंगे और बहन कुमारी मायावती को मजबूती प्रदान करेंगे। फरीदाबाद से वीना चौहान की खास रिपोर्ट। आज बाबा भीमराव साहब का अम्बेडकर का जन्मदिन है जो कि पूरे देश में हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। बाबा भीमराव साहब वह महान शख्सियत थे जिनकी गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी, जिन्होंने इस देश को संविधान के रूप में एक इतनी बड़ी धरोहर दी जिससे हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। वहीं दोनों पार्टियों ने बीच में चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो उन्होंने कभी संविधान को ढंग से चलाने की कोशिश नहीं की, संविधान पे काम करने की कोशिश नहीं की। अगर संविधान पे काम किया होता तो आज हमारा देश बहुत ऊंचाइयों तक होता। तो बाबा भीमराव साहब की इस धरोहर को अब पूरी दुनिया याद करती है क्योंकि ऐसा संविधान जो बाबा साहब ने लिखा था पूरे विश्व में नंबर वन संविधानों में से लिखा गया था। वहीं आज देश के कोने कोने में हर्षोल्लास से ये त्यौहार के रूप में ये जन्मदिन उनका मनाया जाता है और मनाना भी हर किसी को चाहिए क्योंकि ऐसे महान आत्मा इस पृथ्वी पे बहुत कम आते हैं जो देश को एक आज़ादी के दिलाने के बाद एक देश को चलाने का काम दे के गए हैं।